मुंबई कर हूँ और पूरी तरह से ऑटो स्ट्राइक का समर्थन करता हूँ। आज रिक्शा बंद को लेकर अल्पसंख्यक आयोग के अध्यक्ष हाजी अरफात शेख ने नव भारतीय सिवाहतुक संगठना के कार्य अध्यक्ष ईसा कोपीकर ने रिक्शा बंद विरोध के अग्रणी मुंबई पुलिस आयुक्त को पत्र देकर रिक्शा वालों की समस्याओं को बताया और कहा, किसी भी पक्ष के यूनियन का आह्वान न मानते हुए हमारी यूनियन नव भारतीय सिवाहतुक संगठना का रिक्शा बंद नहीं होगा और हमारा कोई भी पदाधिकारी शामिल नहीं रहेगा, ऐसा हाजी अरफात ने कहा। आज मैं नव भारतीय सिवाहतुक संगठना के कार्याध्यक्ष ईसा कोपीकर जी और हम लोग आके आज मुंबई पुलिस कमिश्नर से मुलाकात की कि कल एक कुछ संगठना ने मुंबई में रिक्शा नहीं चलेगी का एक ऐलान किया। उसका खासतौर पर हमने कहा कि बिल्कुल मुंबईकरों को कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, स्टूडेंट्स को, बच्चों को, हॉस्पिटल्स के बाहर, स्टेशनों के बाहर, हर जगह नव भारतीय सुवाहतुक संगठना की रिक्शा चलेगी, बड़े पैमाने पर चलेगी, क्योंकि एक बड़ी यूनियन है और स्टेट के अंदर एक यूनियन का अच्छा काम चल रहा है। तो आज हम दोनों ने आके निवेदन दिया, खासतौर पर निवेदन देते वक्त एक खास चीज़ का ध्यान दिए कि इनकी डिमांड थी कि हर स्कूल्स के बाहर ट्रैफिक पुलिस होना चाहिए ताकि बच्चों को एक्सीडेंट्स वगैरह का कोई ऐसा दुर्घटना का सामना करना नहीं पड़े। ये सारी चीज़ें कि हमने बहुत सारी मुद्दे थे, ओवरलोड के मुद्दे पे बात की कि मुंबई पुणे नासिक जगह पे हर जगह पे बसेस जो जा रही है उसके अंदर ओवरलोड बसेस चलती है और उसके वजह से कई एक्सीडेंट्स हो रहे, कई एक नीता ट्रैवल की बस के अंदर और एक दूसरी ट्रैवल के अंदर भी हमने पिछले कुछ दिनों पहले सुना कि गोवा बस जा रही थी और पीछे लोखंड भरा हुआ था और उसमें कई लोग की मौत हो गई। तो ऐसा सारी चीज़ें घटना नहीं होनी चाहिए। हम महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जी को भी मिलकर ये सारी चीज़ें देंगे, लेकिन मेन मुद्दे पे अगर हम आए तो कल मुंबई के अंदर रिक्शा जोरदार तरीके से चलेगी, कोई भी आंदोलन के अंदर हमारे मेंबर्स सहभाग नहीं लेंगे, खासतौर पर ये मुंबई पुलिस कमिश्नर को हमने बोलने के सिटीजन ऑफ दिस कंट्री और हम जो हमारा जो फर्ज बनता है पहले हमारे लोगों के लिए, इस दो मुद्दे हमने सामने रखे। एक कि हम लोग इस आंदोलन को, इस स्ट्राइक को बिल्कुल सपोर्ट नहीं करेंगे। पहली बात है कि इट इज़ एन इनडेफिनिट स्ट्राइक, इट इज़ मीनिंगलेस, क्योंकि कोई भी चीज़ रखने से पहले हमको रिपरकशन सोचना बहुत ज़रूरी है। रखने को, करने को हम कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन हमारे जो रिक्शा वाले, हमारे जो ड्राइवर्स, जो लोग हैं, वो उनका घर कैसे चलेगा, उनका चूल्हा कैसे चलेगा, घर कैसे चलेगा, ये सबसे ज़रूरी है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोई चीज़, कोई डिसीजन लेने से पहले कि इसका रेपरकशन सही हो, गलत नहीं हो। तो इस आंदोलन को हम बिल्कुल सपोर्ट नहीं करते। मैं चाहती हूँ कि खास करके इस मौसम में, जहाँ इतनी बारिश हो रही है, एवरीवेयर देयर इज वाटर लॉगिंग, आप रिक्शा बंद करोगे, टैक्सी बंद करोगे, बच्चे, बूढ़े, औरतें कैसे ट्रैवल करेंगे? आई थिंक ऑल दीज थिंग्स शुड बी कंसिडर्ड बिफोर मेकिंग एनी डिसीजंस और बिफोर कॉलिंग एनी स्ट्राइक। इसको हमने एड्रेस किया आज। और इसके अलावा जब मैं ट्रैवल करती हूँ, मैंने खुद देखा है कि सुबह सुबह बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे, 3-3.5 साल के बच्चे रोड क्रॉस करते हैं, वहाँ पे सिक्योरिटी नहीं है, वहाँ ट्रैफिक पुलिस नहीं है बच्चों को क्रॉस करने के लिए। पता नहीं कितने हादसे होते हैं, कितने रिपोर्ट किए जाते हैं, वी डोंट नो। इस चीज़ को भी हमने सामने रखा है ताकि स्कूल्स में सिक्योरिटी और ट्रैफिक पुलिस का इंतजाम हो, सो दैट देयर आर नो एक्सीडेंट्स एंड वी अवॉइड सच। सीपी साहब ने क्या दिया? सीपी साहब ने यही कहा है कि क्योंकि हमने ये प्रस्ताव रखा है कि हम इस मुद्दे को, इस स्ट्राइक को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा ही टू हिज बेस्ट ऑफ हिज अबिलिटी ही ट्राई एंड सपोर्ट आवर डिसीजंस, जो भी उनसे हो सकता है वो कर जरूर करेंगे।